गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। पिछले 12-13 दिनों से मैं मार्केट से अवे था, आज से फिर दोबारा इसका चालू कर रहा हूँ, डेली एनालिसिस एज वेल एज वीकली एनालिसिस। तो डॉलर इंडेक्स से चालू करते हैं। डॉलर इंडेक्स आफ्टर 21 सितंबर FOMC मीटिंग्स, जहां पे 75 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक हुआ है, उसके बाद डॉलर इंडेक्स में काफी एक उछाल देखा गया है, जो अभी है 114.03। ये है आपका मंथली चार्ट, जहां पे हमारा दो इमीडिएट माइनर रेजिस्टेंस था। एक था आपका 109.50 से 110.00 एंड दूसरा वाला था आपका 112 से 112.50। दोनों ही रेजिस्टेंस को आफ्टर द FOMC मीट ये ब्रेक कर चुका है ऊपर की तरफ। अभी जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा, दैट इज एट 120 से 121 के बीच में ऑन मंथली चार्ट। आइए देखते हैं वीकली पे ये क्या दिखा रहा है। वीकली पे भी आपका काफी स्ट्रेंथ दिख रहा है। That being the case, अगर broader terms में देखेंगे कि जब तक ये center band of the Bollinger Band, what it means? It is nothing but the 20 period simple moving average. जब तक ये 20 period simple moving average के ऊपर ही चलता रहता है, इसका strength बरकरार रहेगा और any consolidation और any dip रिट्रेसमेंट्स ये इसके लिए थोड़ा सा बेटर होगा। अभी यानी वीकनेस का कोई इंडिकेशंस है नहीं। अगर हम इसको डेली में देखने का कोशिश करेंगे तो यहां पर भी काफी स्ट्रेंथ बरकरार है। इसका मतलब ये नहीं कि अभी जूम करके ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, नॉट लाइक दैट। ये आपका मीन्स थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन एंड अगेन ऊपर, समथिंग लाइक दैट। जब तक ये नेगेटिविटी दिखता नहीं है, यहाँ पे चार पॉइंट्स कोई नेगेटिविटी दिख नहीं रहा है। डॉलर रुपी में डेली में जो फ्राइडे का क्लोजिंग था वो है आपका 81.25। इट्स ए द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोज, ऑल टाइम हाई। जाने से पहले 13th का जो मेरा एनालिसिस था, इवन द 14th का भी जो एनालिसिस था, 14th सितंबर को डॉलर रुपी जो क्लोज दिया था आपका 79.58 में, यहाँ पे उस वक्त मेरा जो एनालिसिस था कि 80.00 से 80.30 एक रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस हमें केयरफुली मॉनिटर करना है कि इंटरवेंशंस आपका स्ट्रॉन्ग है या उनका क्या मार्केट के ये रेट को लेके, मींस आपका एक पार्टिकुलर एक्सचेंज रेट जो है उसके ऊपर उन लोगों का क्या विचार है, सेंट्रल बैंक दैट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आर दे मींस स्ट्रॉन्गली रेजिस्टिंग द डिफेंडिंग द 80.30 लेवल्स और नॉट। अगर 80.30 ब्रेक करता है तो 80.60 से 81.00 एक काफी शार्प मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा दे दिया। आपका थर्सडे 22nd वाला जो कैंडल था वही आपको 81.04 में क्लोज दिया एंड उसके बाद 81.25 का क्लोजिंग है, काफी हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा ऊपर का क्लोज दिया। इसका रीजन क्या है? बेसिकली 80 एवरीबॉडी वाज होल्डिंग शॉर्ट 80.00 से 80.30 के बीच में, जब इंटरवेंशंस काफी स्ट्रॉन्ग नहीं था एंड मार्केट स्टार्टेड मींस आपका 80.30 80.35 के लेवल के ऊपर भी मींस सेलिंग काफी स्ट्रॉन्ग नहीं था, डिफेंडिंग वाज नॉट दैट मच सिंसियर, देन द सेलर्स गॉट स्टक एंड दे स्टार्टेड स्क्वायरिंग ऑफ।
ये तो हो गया आपका क्या लास्ट वीक में हुआ है। अभी यहाँ पे व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट में भी हमें अभी प्राइस एक्शंस को पकड़ना है। यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि ये जूम करके 90 की तरफ चला जाएगा, या ये फिर यहाँ पे सेल कर करके इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। बट यस, हमारा यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखना है, केयरफुली मॉनिटर करना है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मेजर्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आइदर इन मॉनेटरी टर्म्स और इन फिस्कल टर्म्स लाते हैं। मेनली आरबीआई विल कंसीडर द मॉनेटरी टर्म्स, मॉनेटरी पॉलिसी टर्म्स, नॉट ऑन द फिस्कल फॉर्म। सो इन मॉनेटरी में अभी दे विल नॉट वेस्ट देयर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट और डिफेंड ए पार्टिकुलर लेवल, रेदर देन मार्केट सेंटिमेंट से दे आर गोइंग टू ब्रिंग सम मेजर्स लाइक रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड, एनआरआई बॉन्ड्स, ऑल दीज थिंग्स, कुछ फॉर्म ऑफ सच इनिशिएटिव जहां पे हम काफी अच्छा इनफ्लोज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका एग्जैक्ट नेचर कैसा होगा, उसका एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होगा, वो हमें केयरफुली देखना है। सो वी नीड टू बी केयरफुली वेटिंग फॉर द स्ट्रॉन्ग मेजर्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जीबीपी डॉलर आपका जब हमारा 12 एंड 13 का सितंबर का जो एनालिसिस था वहां पे हमारा ये था कि ये आपका ऊपर जाएगा, लेकिन इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आएगा वो है आपका आएगा 1.1750 से 1.1900, एक रेजिस्टेंस होगा। इसको अगर ऊपर जाना है एक करेंसी पेयर का, तब ये जो 150 पिप्स का रेजिस्टेंस जोन है इसको तोड़ के ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम स्ट्रेंथ। एंड ये अगर नीचे की तरफ आता है, वी नीड टू सी जो ये रिसेंट स्विंग लो बनाया उसके प्रोटेक्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे 16, 17, 18, 20 काफी होल्ड करने का कोशिश किया द स्विंग लोस को, लेकिन आपका 21st में पूरा का पूरा नीचे की तरफ आ गया, 21st, 22nd एंड सो अभी है 1.05, 01। सो यहाँ पे काफी डैमेजेस देखा गया 1.05, तो थोड़ा सा इसको हायर टाइम फ्रेम में ड्रिल डाउन करने का कोशिश करते हैं। हायर टाइम फ्रेम में जो आपका इमीडिएट सपोर्ट लास्ट स्विंग था ये आपका 1.05, ये कब था आपका 1985, यानी आपका 15 और 22 37 इयर्स पहले का लेवल है। दैट बीइंग द केस, अभी ब्रॉडर टर्म्स में ये जो 104 1.04 से 1.05 यहाँ पे कैसे प्ले अराउंड करते हैं और फर्दर डैमेज होगा या नहीं होगा, यूके का जो न्यू गवर्नमेंट है वो पॉलिसी मेजर्स कैसे ले रहे हैं, इन्फ्लेशन को कैसे टारगेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को कैसे हैंडल कर रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसे आपका उसका कैटर कर रहे हैं, वो हमें केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। एंड प्राइस वाइज हमें ये जो चार्ट्स है उसको केयरफुली हमें देखना है। अभी यहाँ पे हमें देखना है कि कंसोलिडेशन कौन सा लेवल पे कर रहे हैं, बट 1985 का जो लो है ये आपका 1.05, यहाँ पे क्या आपका होल्ड कर रहे हैं या नहीं, यानी एग्जैक्टली 1.05 तो नहीं होगा, जब सेलिंग प्रेशर्स होते हैं तब उसका थोड़ा और भी नीचे की तरफ जाता है। दैट बीइंग द केस, 1.04 से 1.05 ये लेवल पे क्या प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं, वी विल नॉट एज्यूम कि यहीं पे कंसोलिडेट करेगा, लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है या नहीं। जीबीपी आईएनआर में भी अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया,
अभी है आपका 88.05। काफी डैमेजेस हो गया। इसको हम अगर ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे तो आपका यहाँ पे बॉटम और भी नीचे है, वो है आपका 83.50 के आसपास ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो यानी यहाँ पे सेल ऑफ के लिए और भी रूम पॉसिबल या प्रोबेबल रूम्स है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। वीकली में आपका अच्छा खासा डैमेज हुआ, जो इमीडिएट एक वीकली टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट हो सकता है वो आपका 85.70 से 86.00 में एक सपोर्ट हो सकता है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। एंड डेली टाइम फ्रेम में हमें प्राइस को देखना है, ना ही हमें ब्लाइंडली शॉर्ट करना है, ना ही हमें इन एंटिसिपेशन ऑफ करेक्शन हमें बाय करना है, हमें प्योरली प्राइस एक्शंस को ऑब्जर्व करना है। यूरो डॉलर में इतना ज्यादा डैमेज नहीं हुआ जितना आपका जीबीपी डॉलर में हो चुका है, आपका 1.15 से 1.05 10 बिगीज डैमेज हो चुका है। यूरो में इतना मेजर डैमेज नहीं था, 0.99 या 1.00 से ये 0.9640। तो अभी हमें इसको थोड़ा सा ब्रॉडर टर्म्स में देखते हैं कि कहाँ पे ये आप देखेंगे आपका 0.2 का लो के अराउंड होवरिंग अराउंड कर रहा है हमें यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम में जो है। तो हमें देखना है कि ये लेवल के आसपास 0.95 एंड 0.96 के आसपास कोई कंसोलिडेशन हो रहा है या नहीं। इमीडिएटली हम जंप नहीं करेंगे सेलिंग के लिए, ना ही एंटिसिपेट करेंगे बहुत हो गया है अभी हम बाई करना चाहिए। बेसिकली हमें पल्स को समझने का कोशिश करना चाहिए। यूरो आईएनआर में भी अच्छा खासा सेल ऑफ हो गया है, अभी है 78.51। अगर हम इसको मंथली टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बड़ा जोन है, दैट इज 77.00 से 78.50 के बीच में एक सपोर्ट जोन है। हमें ऑब्जर्व करना है कि प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, सपोर्ट करता है, या इस लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करने के बाद फिर साउथवर्ड सेल ऑफ करते हैं। वीकली में भी ये जस्ट स्टार्ट हो रहा है, हमें ये जोन में देखना है कि प्राइस कैसे बिहेव करता है। एंड डेली में भी हमें केयरफुली, यानी यहाँ पे हम एक्चुअली देख सकते हैं कि थोड़ा अपटिक में हमें कोई सेलिंग इंडिकेशन मिलता है या नहीं, उसके ऊपर इंतजार करेंगे बिकॉज द मेजर ट्रेंड इज ऑन द डाउनवर्ड। डॉलर येन में आपका ये जो 22nd का जो प्राइस है, 22nd का एक बड़ा रेंज बनाया है, व्हाट इज दैट रेंज, 145.90, सो 146 ऑन द हायर साइड एंड 140 ऑन द लोअर साइड। यानी यहाँ पे 6 बिगी का एक रेंज बनाया है इंट्राडे। यहाँ पे बेसिकली काफी मेजर वॉलिटिलिटी हम यहाँ पे देख चुके हैं एज पर द प्राइस। एग्जैक्टली उस दिन पे क्या हुआ मेरे को पता नहीं है, क्योंकि आई वॉज नॉट इन द मार्केट, आई वॉज टोटली अवे फ्रॉम द मार्केट। सो लेकिन जो करीबन 550-600 पॉइंट का रेंज है यहाँ पे देखा, मीन्स इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक, दैट इज द बीओजे, हैज डन सम एक्शंस डेफिनेटली, अदरवाइज इतना बड़ा कैंडल नहीं बनता। एंड अभी दैट बीइंग द केस, व्हाट नेक्स्ट? तो ये जो कैंडल बन गया ये एक रेफरेंस पॉइंट बन गया, इसके हाई के ऊपर फर्दर बाइंग चालू होगा, लो के नीचे थोड़ा सा कंसोलिडेशन या सेल ऑफ हम देख सकते हैं। और ऐसे भी हम डेली चार्ट में जो ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज कर दिया है ऑन 22nd, लेकिन उसके नीचे फॉलो थ्रू नहीं है। सो हमें इंतजार करना पड़ेगा फॉलो थ्रू के लिए। येन आईएनआर में वही 22 तारीख को एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखा गया है। तो अभी हमें आईएनआर टर्म्स में देखेंगे तो ये आपका 0.56 के आसपास के सपोर्ट डिप लेके ऊपर जाता है, ये हमें देखना है। डॉलर कैंडी में भी अच्छा खासा उछाल देखा गया है। एंड मंथली टर्म्स में अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। अभी ये जो रेजिस्टेंस था 1.3375 से 1.34 का जो रेजिस्टेंस है उसको कन्विंसिंगली ब्रेक कर चुका है और काफी ऊपर गया है। अभी ये करंट वीक में ये जो
प्रीवियस वीक का जो हाई है उसके ऊपर कंटिन्यू करता है या नहीं, हमें वो देखना पड़ेगा। और डेली में भी हम देखेंगे एनी डिप टूवर्ड्स 1.33 से 1.3350, वहां पे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है बाइंग के लिए, वन में ट्राई टू बाय विथ सर्टेन स्टॉप लॉसेस। ऑसी डॉलर में देखेंगे यहाँ पर भी काफी डैमेज हो चुका है। अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है ये है आपका 0.64 से 0.6460। यहाँ पे ये प्राइस कैसे कंसोलिडेट करता है या सपोर्ट लेता है ये हमें केयरफुली मॉनिटर करना पड़ेगा। डॉलर CNH ये आपका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 7.15 वहीं पे जाके अटका है। अभी हमें देखना है कि ये पर्टिकुलर लेवल पे ये क्या कर रहा है। एंड नॉट ओनली द इन्फ्लेशन एंड द हॉकिशनेस ऑफ डिफरेंट सेंट्रल बैंक्स, बट चाइना में और एक स्पेशल एक्टिविटीज हो रहा है जहां पे काफी क्लैरिटी के साथ कोई न्यूज नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि द प्राइम मिनिस्टर दैट इज शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट किया गया है, उनको गद्दी से निकाला गया है, मींस पावर डिथ्रोन किया, पावर से आउट किया गया, बट कोई भी कंफर्म्ड न्यूज नहीं है, ऑल आर र्यूमर्स। तो दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी इज ऑल्सो इम्पेक्टिंग द प्राइस एक्शन ऑफ CNH, तो हमें उस इम्पेक्ट को भी कंसिडर करना पड़ेगा फॉर प्राइस मूवमेंट्स फ्रॉम हियर। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि 7.15 के आसपास ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता है या इसको तोड़ के ऊपर की तरफ बूम बूम करता है। यूके ऑयल आपका आपका 86.21 की तरफ है, और जो बड़ा टर्म्स में जो हमारा व्यू था वो व्यू था 70 से 71 की तरफ, एंड प्राइस उसी की तरफ मूव कर रहा है। एंड दिस इज गुड फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया जो हेवीली डिपेंडेंट होते हैं आपका ऑयल इंपोर्ट के लिए। 10 ईयर यूएस ट्रेजरी आपका 3.50 तोड़ के ऊपर की तरफ, अभी है आपका जो हाई मारा है आपका 3.83 एंड अभी है 3.73। तो थोड़ा सा इसको ब्रॉडर टर्म मीन्स बिगर टाइम फ्रेम में देखने का कोशिश करेंगे। बिगर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस जहां से ये प्राइस घूमा था ये था आपका 4.00। तो अभी हमें ये 4.00 के यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है या नहीं लेता है वो हमें देखना पड़ेगा, बट RSI टर्म्स में काफी स्ट्रेंथ है, सो अकॉर्डिंगली ऑन मींस वी नीड टू इनिशिएट एनी पोजीशन और वी नीड टू इनिशिएट द व्यूज बेस्ड ऑन US 10-year ट्रेजरी। तो यहाँ पे करेक्शंस में थोड़ा सा पोजीशंस लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस कर सकते हैं या उसके रिलेटेड जो अदर करेंसी पेयर्स होंगे या अदर आपका एसेट क्लास होंगे वहां पे आप कर सकते हो। अभी एक इन्वर्टेड पिन बार बनाया हुआ है, दैट बीइंग द केस इसके लो के नीचे थोड़ा सा हल्का सा करेक्शन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एक ट्रेंड लाइन बना है इसके लो के नीचे जब तक आप ये देखोगे 2 अगस्त के बाद एक ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन, कहाँ पे क्या बनाया, लोअर हाई लोअर लो नहीं है, क्या है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन से, यानी इसको जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दे देता है एंड उसके बाद लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशन नहीं करता है तब तक सेलिंग के लिए सोचना ही नहीं है, रेदर बाय डिप्स मे बी कंसीडर्ड हियर। तो ये डेली करेंसी एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। हेंसफोर्थ अगेन आई विल रेगुलरली मेक वीडियोज ऑन डिफरेंट करेंसीज एंड ऑल्सो सम अदर प्लान्स आर देयर, जहाँ पे प्लान्स बोले तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे मैं और भी कुछ लेके आने का इरादा है। सो थोड़ा सा टाइम दीजिए, काफी एडुकेटिंग वीडियोज, काफी स्पेशली दोज हु वांट टू लर्न द टेक्निकल एनालिसिस, द एसेट क्लास में भी द करेंसीज, द एसेट क्लास में भी द इक्विटीज और द कमोडिटीज और एनीथिंग एल्स। लेकिन जो स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू मीन्स ख्याल रखते हुए मैं फिर चालू कर रहा हूँ
from the basics part, and it will be weekly, one video or two videos, not on a daily basis, ताकि एक consistent regular educational आपका guidelines बन सके, and those who are interested to take benefit from these free videos, free educational contents, they may regularly follow them, and उनका जो भी friend circles में होंगे उन लोगों को ये particular video जो होंगे, videos जो होंगे उनको forward कर सकते हैं. So wishing all a very good day.